चलिए विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पार्ट वन वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन 20 तक के सॉल्व किए थे, तो पार्ट टू के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि बेशक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर के हिसाब से, लेकिन ये आपके पूरे जो फाइनल एग्जाम है पूरे सिलेबस की उसके लिए रिवीजन भी करवा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही आ सकते हैं, ये आपके पास 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपने करना है, इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको पूरे सिलेबस को कवर करने में भी उतनी आसानी होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि कोस टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 1 + x² 1 / √1 + x² 1 / √1 - x². तो ये ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ी देर के लिए, अगर हम y मान लें, यहाँ पे हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है cos टेंजेंट इनवर्स x। अब देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि ये आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा एक्स। अब आप इसमें देखें कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + टेंजेंट थीटा की वैल्यू एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 + x². अब ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 / √1 + x², क्योंकि सीकेंट थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 1 / √1 + x². अब देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल था और थीटा कोस इनवर्स 1 / √1 + x² के इक्वल आ गया, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 / √1 + x². तो ये कोस और ये कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो 1 / √1 + x². तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 / √1 + x². तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारे पास ये है, तो हम लिख देंगे कि 1 / √1 + x². तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 होगा। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ सकता है, ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने की। तो यहाँ पे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 मीन्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मीन्स 3 × 3 है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 × 3 है और उसके साथ में दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 5, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 है, देन डेट एडजॉइंट ए, ये दोबारा से फिर लिखा है उसको कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, हमारे पास फॉर्मूला है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इट्स पावर एन माइनस 1, एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 है, 5, एन की वैल्यू ऑर्डर 3 है, 3 - 1 तो 5 / 2 यानी कि 5 × 5 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट में दिया है 5 × 25 = 1/5 तो 25 यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी है। इफ ए एंड बी आर दी इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ए और बी इनवर्स है एक दूसरे की, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो हमारे पास इनवर्स, ए के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। तो हमारे पास क्या होता है कि ए ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। अब वो कह रहा है कि ए और बी, ए एंड बी आर दी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ए इनवर्स क्या है, ये बी है, और बी इनवर्स क्या है, वो ए है। अब देखो ए इनवर्स की जगह पे बी लिखे हम, तो ये हो जाएगा ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। हमें पता है कि ए ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। अब देखो यहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। फर्स्ट में देखो ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए, अब अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो ए इनवर्स ए ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये तो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो, ये तो गलत ही हो गया, ये नहीं है। नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं है। यहां पे देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के भी इक्वल होंगे ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो ऑप्शन है वो डी है हमारा। हालांकि ए ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इनवर्स का कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से भी संबंध है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है। If x is equal to 2 square, y is equal to 480, then dy by dx की हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ पे पहले हम dx by dt निकाल लेते हैं, t square का हमारे पास हो जाएगा 2t, यानी कि ये हो जाएंगे 480। इसी तरह से dy by dt निकाल लेते हैं, dy by dt हो जाएगा 4a। हमें निकालना है dy divided by dx, तो ये होगा हमारे पास dy divided by dt और डिवाइड बाय डीएक्स बाय डीटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डीवाई बाय डीटी इज डीवाई बाय डीटी 4a और डीएक्स बाय डीटी 480, तो 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय टी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास 1 डिवाइड बाय टी है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 3x डिवाइड बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड के इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है जीरो पे, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बतानी है। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होगी तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जो लिमिट है, लिमिट की जो वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पे वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी निकाल सकती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो दोनों के लिए हमारा फंक्शन सेम है, तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखें कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन हमारा क्या है, टेंजेंट 3x डिवाइड बाय x, जीरो से लेस के लिए भी और जीरो से ग्रेटर के लिए भी, दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है। यहां पे आप अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेंजेंट x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। अब यहां पे x है तो यहां पे भी x होगा, यहां पे kx है तो यहां पे भी kx होगा, यहां पे 2x है तो यहां पे भी 2x होगा। अब यहां पे देखिए टेंजेंट 3x है तो यहां पे भी हमें 3x चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे ये यह हमारे पास इसके कोरिस्पोंडिंग इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू के, यानी कि 3 इज इक्वल टू के या फिर के इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू आ गई के इज 3।
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें 26 क्वेश्चन की, इंटीग्रल फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू वन होता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स वन होता है, तो हम लिखेंगे कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। अब कोट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसमें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कोट एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स, तो ये माइनस का एक्स और प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने ध्यान रखना, डेरिवेटिव में तो जो मर्जी हो पहले पावर का कर दो फिर पावर के अंदर का कर दो, लेकिन यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसके आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है हमारे पास कोट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन है माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सी ऑप्शन है टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर आया माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी यानी कि बी हमारे पास राइट ऑप्शन है। जिस तरह से ये क्वेश्चन कोट स्क्वायर के लिए बना है इसी तरह से ये टेंजेंट स्क्वायर के लिए बनेगा, इसको सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम इसको सोल्व करें। नेक्स्ट ये हमारे पास ओरली क्वेश्चन हो गया एक हमारे पास कि इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, डीएक्स इज इक्वल टू, ये ब्लैंक हमें फिल करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ई रेस टू पावर एक्स अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इस तरह से हो, ई रेस टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास आंसर होगा ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई रेस टू पावर एक्स के साथ फंक्शन और प्लस सी, ये हमारे पास आंसर होगा। अब देखो ये आपके पास ई रेस टू पावर एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू फंक्शन, तो ई रेस टू पावर एक्स तो हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स है और फंक्शन है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये ब्लैंक की फॉर्म में ही आपको दिया हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है यहाँ ई रेस टू पावर एक्स ही होना चाहिए, अगर यहाँ टू एक्स हुआ तो पहले टू एक्स को जेड पुट करना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्टली एक्स होना चाहिए यहाँ पे, यह सारा काम जेड में ही हो या सारा काम टी में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां टू एक्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहां एक्स ही होना चाहिए, अगर टू एक्स है तो टू एक्स को पहले जेड पुट करेंगे। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है हमारे पास, ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को रोल किया गया है, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास सिक्स एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कंसीडर द इवेंट, इवेंट ई भी दे रखा है, इवेंट एफ भी दे रखा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ई बाय एफ की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ, ये फॉर्मूला है। अब आप ये देख लें कि इंटरसेक्शन में आया कौन, ई और एफ की इंटरसेक्शन में, ई इंटरसेक्शन एफ यहां पे लिख दिया हमने 1, 3, 5, 2, 3, तो 3 आ गया इंटरसेक्शन में, आ गया 3, एक ही एलिमेंट आया, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट है 1, टोटल कितने है सैंपल स्पेस में 6, तो 1/6। एफ, एफ में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो प्यारे बच्चों जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट उसका आंसर ना लिखें, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर सोचें, इससे आपके क्वेश्चन गलत होने से बच सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दो ही तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, या तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा या आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मान लो 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपका आंसर गलत भी हो जाता है, तो आपको उसमें से 3, 4,
मार्क्स मिल जाएंगे, 5 भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसी संभावना नहीं है, या तो आपका क्वेश्चन गलत है या फिर ये सही है। हाफ मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो आपको या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। तो बहुत ध्यान से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करना है, और लास्ट में अगर एग्जाम के बाद आपके पास टाइम बचे तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही एक बार फिर से रिवाइज करना है, कहीं ना कोई मिस्टेक आपको वहां पे मिल सकती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1, डोमेन है और कोडोमेन है आर, इज गिवन बाय एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, देन एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है और 4 में भी हो सकता है, और तीनों ही जगह पे ये मार्क्स चल जाएगा। 4 में आ जाए तो आप पहले इसको 1 1 1 1 2 प्रूव कर दें, यहां पे आप इसको सिद्ध ही कर दें। अब आपको देखो क्या करना है, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, हम लिखते हैं कि लेट एफ इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू के। एफ इनवर्स एक्स हमने के मान लिया, यानी कि के की वैल्यू निकाल दी। अब x इज इक्वल टू एफ के, या फिर इनवर्स इधर आके सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू एफ के, एफ एक्स की वैल्यू x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 है, तो एफ के की वैल्यू x की जगह पे k पुट कर दोगे, ये हो जाएगी k डिवाइड बाई k प्लस 2। हमें k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही हमारा इनवर्स है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स प्लस 2x दैट इज इक्वल टू के। k की वैल्यू निकालनी है तो k की टर्म जितनी भी है वो एक तरफ कर देंगे, और विदाउट k वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे। इस k को इधर ले आए और 2x को इधर ले आए, k हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 माइनस 2x इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाय x माइनस 1। तो k ही तो हमारा f इनवर्स x था, तो f इनवर्स x ये आ गया हमारे पास माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से एक माइनस कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दें, तो ये तो हमारे पास 2x और ये 1 माइनस है, इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस x। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से, बहुत ज्यादा सा समय इसमें खराब नहीं करना है। इस तरह से अगर आप बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने लगे तो बिल्कुल शॉर्ट में करना है आपको, तो आपके पास 40 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बहुत लॉन्ग मेथड से चलोगे, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आपको करना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 ये हमेशा ही एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आपको 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी हेल्प मिले, लेकिन आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को, तो बहुत शॉर्ट में आपको करना है। अब देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पे ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5। स्टूडेंट एलसीएम में गलती कर लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है। यहाँ पे एलसीएम हो गया 20, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे भी एलसीएम, तो ये हमारे पास 20 बनेगा क्योंकि ये 3/20 है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे एक स्टेप और लिख लें कि ये 3/20 है, तो 3/20 जब आप इसको लिखोगे तो ये नीचे 1 है तो 20 आ गया, ये 20 माइनस 3। अब आप देखें टेंजेंट इनवर्स 17/20 और ये भी 17/20, तो ये देखो दोनों सेम ही हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1
और ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपको इसको बहुत शॉर्ट में करना है, मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया 4 मार्क्स के हिसाब से भी, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा शॉर्ट में करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितना शॉर्ट में लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% श्योर है आना ही चाहिए ये एग्जाम क्वेश्चन। तो यहां पे कहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, then find that determinant 2A। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखें कि हमें क्या फाइंड करना है, डेट और उसके बाद एक और डिटरमिनेंट लगा दिया, तो ये कि बहुत था कि यहां पे लगा देते, यहां पे या तो इसको ऐसे लिख दे, बस ऐसे ही फाइंड करना है, और अगर डेट लिखना है तो फिर यहां ब्रैकेट लगा ले, दोनों में से एक बात बहुत होती है। ये इसका मतलब, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि डेट डिटरमिनेंट 2A। अब देखो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मींस 3x3, और डिटरमिनेंट A भी दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है कि डिटरमिनेंट के A ये होता है k रेस टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हमें निकालना है डिटरमिनेंट 2A, तो k की वैल्यू तो 2 होगी, लिखेंगे 2 रेस टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अब 2, n इज द ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3x3 यानी कि 3, n की वैल्यू 3 होगी, इंटू डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A 4 दे रखा है, 4 लिख दिया। तो यहां पे 2 की पावर 3, स्टूडेंट गलती कर देते हैं 6 लिख देते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8 मिलेगा, यहां से 8 की और 4 की करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे आपको खुद ही सोल्व करना था वन वर्ड आंसर की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3AXY इज इक्वल टू 0, देन फाइंड dy डिवाइड बाय dx। तो dy बाय dx हमें फाइंड करना है, तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसको। हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3AXY इज इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा 3x2, यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x2 प्लस 3y2 साथ में dy बाई dx, जब भी y का करेंगे तो dy बाई dx जरूर लगाएंगे। अब देखो 3a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, x और y पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y का dy बाई dx, अगली बार y एज इट इज x का 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रहेगा, तो यहां पे इक्वल टू 0। यहां पे आप देखो एक टर्म ये है हमारे पास, एक पूरी टर्म ये है और एक पूरी टर्म ये है, सब में 3 है तो 3 से डिवाइड कर सकते हो आप, या आप नहीं भी करते तो बाद में भी हो जाएगा, चलो बाद में करेंगे। 3x2 प्लस 3y2 dy डिवाइड बाय dx प्लस 3ax, इसकी मल्टीप्लाई की 3ax dy बाय dx प्लस 3ay इज इक्वल टू 0। हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy बाय dx वाली टर्म तो यहां रहने दो, 3y2 dy डिवाइड बाय dx प्लस 3ax dy बाय dx, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर ही रहने दी,
बाकी की टर्म राइट साइड में ले आए, तो माइनस के 3x² और माइनस के 3ay। अब इसमें से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो 3y² प्लस 3ax dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, यहां से आप कॉमन लेना चाहो तो माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा x² प्लस ay, दोनों माइनस बाहर चलेगी कॉमन ले लिया, तो dy बाई dx माइनस 3x² प्लस ay डिवाइड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये है 3y² प्लस 3ax, तो dy डिवाइड बाय dx माइनस 3x² प्लस ay डिवाइड बाय 3 कॉमन ले लें अगर, तो y² प्लस ax, तो 3 कैंसिल कर लेते हैं, तो dy बाय dx बिकम्स माइनस x² प्लस ay डिवाइड बाय y² प्लस ax, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है 1 मार्क्स के लिए, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का ये हमारे पास क्वेश्चन है। रिपीट करें अगर क्वेश्चन को, तो हमें ये y के इक्वल नहीं है, y बीच बीच में आया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x³ का होगा 3x² y³ का 3y², लेकिन जब भी y का करेंगे dy / dx लगाएंगे, 3 है तो कॉन्स्टेंट तो बाहर लग दिया, यहाँ पे एक्स वाई का करना है, एक्स एज इट इज वाई का dy / dx, y प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखोगे तो वाई रहेगा। नेक्स्ट 3x² 3y² dy / dx एज इट इज, इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 3ax dy / dx, और इसकी साथ मल्टीप्लाई की तो 3ay = 0। हमें dy / dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy / dx वाली दोनों टर्म 3y² dy / dx प्लस 3x dy / dx लेफ्ट साइड रख दी, इक्वल टू ये दोनों इधर ले आए तो माइनस 3x² माइनस 3ay इधर आ गए, यहाँ पे dy / dx कॉमन ले लिया, 3y² प्लस 3ax dy / dx, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया, दोनों से माइनस बाहर आ गया, तो अंदर दोनों टर्म प्लस की होगी, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, और इसमें से 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, जो बचा हुआ हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेंथी हो गया, 1 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो सिलेबस की रिवीजन है वो इससे हो रही है। नेक्स्ट है बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 अगेन एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे ले लिया गया है, इसलिए कहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स इन द इंटरवल 0 to π इज, तो ये भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया जो आपसे पूछ लिया गया 1 मार्क्स में, तो हम इसको पहले डिटेल में करेंगे और फिर शॉर्ट में भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है 0 से लेके π तक के बीच में कहां पे हो सकती है, तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है fx वो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब यहां से फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हम पुट कर देते हैं f' दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर दिया, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, कोस से डिवाइड कर दिया, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो टेंजेंट 1 कहां पे होता है, 1 होता है पाई बाय 4 पे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, टेंजेंट 1 कहां पे होता है पाई बाय 4 पे, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हम इसको क्या करेंगे पाई में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3π/4। तो इसके बीच में हमारे पास एक ही ऐसी वैल्यू मिली, तो जो ये एक ही वैल्यू मिली है इसी पे मैक्सिमम या मिनिमम,
अब वो मैक्सिमम कह रहा था इसी में मिलेगा बस मैक्सिमम, और तो कहीं हो नहीं सकता, और तो कोई वैल्यू नहीं मिली। मान लो दो या तीन वैल्यू होती तो उसमें किसी पे मैक्सिमम हो सकता था, किसी पे मिनिमम हो सकता था, यहाँ तो वैल्यू एक ही मिली हमें, तो इसी पे मैक्सिमम होगा हमारा, तो ये वैल्यू इसके अंदर सेट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो यहां से एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 एफ एक्स देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। अब इसको देखो अलग से सॉल्व करते हैं, साइन 3π/4 इसको लिख लेते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय फोर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और पाई के केस में नो चेंज, तो ये साइन पाई बाय फोर यानी कि 1/√2। ठीक इसी तरह से कोस 3π/4 के लिए देखेंगे तो कोस पाई माइनस पाई बाय फोर, तो यहां पे कोस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव और नो चेंज तो कोस पाई बाय फोर तो -1/√2 रख देते हैं इसके अंदर, यह 1/√2 माइनस और ये -1/√2 है तो प्लस हो गया यानी कि 2/√2 कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो ये भी एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, वन मार्क्स के लिए नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखो अगर इसको पूरा ही करें हम, यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया कि एक्सट्रीम वैल्यू निकाल कर फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, अब इसको पूरा देखिए अगर, तो हमें क्या करना होता है मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना है, बस इतना काम करना है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या बना, एफ डैश एक्स कोस का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 एफ डबल डैश एक्स देखिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना है, माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4। देखो ये वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे 1/√2 है तो ये माइनस के 1/√2 होगा, और ये भी वैल्यू निकाल रखी है -1/√2 है तो -1/√2 यानी कि -2/√2 यानी कि -√2 लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एक्स या फिर एक्स इज इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहां आ जाएगी, इसके अंदर पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, हम जब इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं कि ये 4 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इसमें कहा है इंटीग्रल फाइंड करना है हमें कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 + sin x, ब्लैंक की फॉर्म में दिया हुआ है इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है, तो अगर हम इसको लिखें आई के इक्वल लिख लें कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 + sin x, तो कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - sin² x, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस पे a² - b² का फॉर्मूला लगाओ तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin x और 1 + sin x, और नीचे 1 + sin x है। ये यहां पे हमने क्या किया a² - b² का फॉर्मूला कर गया हमारे पास, ये आ गया 1 - sin x। अब इसका इंटीग्रल फाइंड कर दो, 1 का हो जाएगा हमारे पास x, साइन का माइनस कोस होता है तो ये प्लस का कोस एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर। इस तरह से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है 35, क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि यहां पे लिखा है इवेल्युएट
वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, वन डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है, हमारे पास फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह लो, ये होता है वन डिवाइड बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी होता है। तो यहां से ये बन जाएगा वन डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू टू, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए टू प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। एक बेहद लेंथी क्वेश्चन 36 पे दे दिया है, यहां पे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एन एलिप्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ये जो एलिप्स गिवन है इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी कि इसके फोर्थ हिस्से का एक चौथाई इसका निकालना है, एरिया चौथा हिस्सा निकालना है। अब देखो इसको तो सोल्व करने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास ये, तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। आप पहले बच्चों ध्यान रखें कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एक एलिप्स है, ये a, ये माइनस a, ये b और ये माइनस, इसका जो एरिया होगा, इसका जो पूरे का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, बस इतना सा ध्यान रखना, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट पूरे का। अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू वन, इस एलिप्स का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया बाउंडेड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, तो पाई ए बी के हिसाब से पाई 6 और 5 यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो कहे कि अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर ये नहीं लेना, इसका हाफ कर देंगे, ये तो सारा था अबव भी और नीचे। अगर वो कहे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये फोर हिस्से है तो एक हिस्सा है ये, तो इसको फोर से डिवाइड कर देंगे। अगर वो कहे अबव एक्स एक्सिस तो इसका हाफ कर देंगे, और अगर वो कहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका वन फोर कर देंगे, फोर से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात ये। अब आप देखिए यहां पे पहले तो इसको एलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फोर से डिवाइड कर दो इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय फोर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन। अब देखो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये एलिप्स होगी हमारे पास। अब इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पाई ए बी, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू टू, तो पाई इंटू वन इंटू टू यानी कि टू पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आपके समझाने के लिए है, आप तो इसको ओरल देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टू पाई स्क्वायर यूनिट है इसका कंप्लीट का एरिया। अब उसने कहा गया है कि एक क्वाड्रेंट का निकालना है, इसका इसका निकाल ले, इसका निकाल ले, इसका भी किसी भी एक का, तो फोर्थ चौथा हिस्सा होगा इसका, तो हम क्या करेंगे इसको फोर से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि टू पाई डिवाइड बाय फोर
यानी कि पाई डिवाइड बाय टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बाय टू स्क्वायर यूनिट्स, तो ये इसका आंसर है। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको ध्यान रखेंगे, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी तो करेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे तो उससे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में कहा गया है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई भी कह देते हैं, एस टू पावर 4 माइनस डी वाई बाय डी एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान रखना है, आपको जब y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy वाई बाई डी एक्स मिलता है, इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं तो डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र या डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र मिलता है, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो डी थ्री वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब या डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप चेक करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ज्यादा से ज्यादा दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, टू आ रहा है, इसका ऑर्डर हो गया 2। अगर आपसे इसकी डिग्री भी पूछ ले तो डिग्री मीन्स इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, वो है हमारे पास 4। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्डर और डिग्री, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आ सकते हैं और दोनों भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, 38 द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होना चाहिए, या फिर सीधा ही लिखेंगे फाइंड पी ए यूनियन बी, फिर इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रोबेबिलिटी बी की माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की भी गिवन है 1/3, तो लिख देते हैं 1/2 प्लस 1/3, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, लेकिन ये बता दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, क्योंकि जो ए और बी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये 1/2 और ये 1/3, तो ये 1/6 होता है, तो माइनस का 1/6 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 5 - 1 4/6 कैंसिल करेंगे तो 2/3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो इवेंट है उसका कॉन्सेप्ट आपको यूज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 सिंपल क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज आई माइनस 7j + 7k, वेक्टर ए दिया हुआ है, एंड वेक्टर बी इज 3i - 2j + 2k, देन फाइंड
ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी लिख देंगे हम आई जे के, ऑप्शन लिख देंगे इनके कंपोनेंट 1 माइनस 7 और 7, यहां पे 3 माइनस 2 और 2, आई के साथ 1 माइनस 7 और 7, 3 माइनस 2 और 2, अब देखो यहां पे आई जे के, आई इंटू माइनस 14 और ये प्लस 14 हो जाए, माइनस जे के लिए 2 माइनस 21, 2 माइनस 21, प्लस के के लिए माइनस 2 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 21 हो जाएगा, तो यहां से हम करेंगे इसको, ये तो जीरो ही हो गया, या तो आप लिख दें 0 आई, या लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 आई, यहां पे माइनस 19 और ये भी माइनस है, तो प्लस 19 जे और यहां पे प्लस 19 के, माइनस 2 और प्लस के 21, तो 19 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, तो वन वर्ड में था, यहां पे भी ऑप्शन और ब्लैंक वगैरह नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1 बाय रूट 2 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, यहां पे इनके साथ कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए। अब आप देखिए ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, यहां से देखते हैं ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी वैसे होता क्या है, ए क्रॉस बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, यहां पे जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इस थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इधर से ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा वेक्टर है ही नहीं है, एन यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, तो मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला आया हुआ। अब देखो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये तो 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये 1 के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 बाय रूट 2 और ये साइन थीटा दैट इज 1, इसके साथ ये कैंसिल होके रूट 2 रह गया, रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो आपका फाइनल एग्जाम है जिसका जो पार्ट 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके 40 क्वेश्चन जो कि हरियाणा बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर जारी किया गया था वो हमने कंप्लीट किए गए हैं। इस सैंपल पेपर की खास बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ आपके कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करवा रहे हैं, यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 40 मार्क्स का इस सैंपल पेपर में से आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। अगर 80 मार्क्स का ये सैंपल पेपर है कंप्लीट, तो मोर देन 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आपके इस सैंपल पेपर में से आ जाना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म में भी बहुत कुछ आपको इस सैंपल पेपर से मिलेगा। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी आप इस सैंपल पेपर की और इस सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें,
ताकि फाइनल एग्जाम में आपके पास समय की दिक्कत ना रहे, क्योंकि 52 क्वेश्चन आपको 2 घंटे और 30 मिनट में करने हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही आप ये कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।